कैलाश जी सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा समय हमें देने के लिए. कैसा शो लग रहा, है, आपको ये कैसा लग रहा है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन टेलीविजन पे इतने बड़े बड़े दिग्गज आपके जैसे दिग्गज परफॉर्म कर रहे हैं खुद हाउ इज द फीलिंग जी बहुत ही अच्छी फीलिंग है और भारत भारत में एक्चुअली इतनी सारी विधाएं हैं इतनी सारी कलाएं हैं लेकिन क्या होता है कि क्रिएटिव माइंड्स होते हुए भी वो एक्सपेरिमेंट्स कम होते हैं तो इस बार ये थोड़ा लकीर से हटकर, ये ऐसे चैनल से हटकर जो बिल्कुल एक जैसा चल रहा था कुछ नया हुआ है और इस नए होने में हम सभी लोगों का काफी एक्साइटमेंट जुड़ा हुआ है और बिल्कुल आईपीएल की तरह ही है एक तरह से जैसे आईपीएल में टीम ओनर भी होते हैं और टीम के प्लेयर्स के भी पार्टिसिपेशन बहुत तगड़ा होता है वैसे ही हमारी छह टीमें हैं छह टीमों के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे वैरायटी वाले सिंगर्स हैं और उसके बाद टीम के मेन कैप्टन हैं फिर मैस्क हैं और लीग का भी मैस्केट तो बहुत ही एकदम गजब है सब चीजें तो बहुत इंटरेस्टिंग बना रहा है पूरे शो को जो वाइब थी सर सेट पे जब मैं पहले पहले दिन शूट पे आया और मैंने आप सभी को परफॉर्म करते हुए देखा मेरे को ऐसा लग रहा था कि कितना खुशकिस्मत हूं मैं कि मैं स्पेशली दिल्ली से मुझे बुलाया गया कि आइए और देखिए ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं आई थिंक बड़े-बड़े कॉन्सर्ट्स में इतना लोग तो ट खरीदते हैं सब कुछ चीजें होती हैं लेकिन यहाँ पर आई इनफ मैं वो देख पाया अच्छा आपकी टीम के बारे में मुझे मुंबई की जो टीम है उसका क्या नाम है और कौन कौन आपकी टीम में है आप डेफिनेटली मेल कैप्टन टीम के और फीमेल कैप्टन शिल्पा राव है लेकिन और मैं चाहता हूँ आप थोड़ा डिटेल में हम सबको बताए जी हमारी टीम का नाम है नीलकमल मुंबई वॉरियर्स और आई के नील कमल मुंबई वॉरियर्स की टीम में आ, हम हैं मेल कैप्टन में और फीमेल कैप्टन में शिल्पा राव हैं और हमारे जो साथ में हैं वो पूर्वा मंत्री हैं और पूर्वा मंत्री इंदौर की है लेकिन अभी यहीं पे रहती है आठ नौ साल से और एक और हमारा डेब्यूटेंट आया है रचित अग्रवाल जो कि झारखंड से है लेकिन वेरी टैलेंटेड वेरी प्रोमिसिंग और इस तरह से हम लोग अभी चार हैं लेकिन चार ही समझ लीजिए भरमार हैं अच्छा आपने कहा छह टीमें हैं कैलाश जी किस टीम के साथ लग रहा है कि बहुत ज्यादा तगड़ा नेक्टोनिक कंपटीशन हो सकता है आपका कोई वो एक टीम आ, जो बहुत तगड़ी लग रही आ, है आपको नहीं मुझे ऐसा लग रहा कोई एक, एक ऐसी कोई तगड़ी टीम नहीं है सभी तगड़े हैं और सभी के साथ बहुत ही गजब होने वाला है बिकॉज़ क्या होता है दुनिया जो होती है जनता जो होती है वो राम होती है और जिस तरह से जो दृष्टि हमारी होती है जनता की उसके एकदम अलग होती है तो हम हम लोग तो सीखे हुए हैं Correct. जैसे सीखे हुए अंताक्षरी खेलें तो उनका एक अलग कॉन्फिडेंस होता है उनका एक अलग चलन होता है लेकिन जिसको हम कॉमन मैन कहते हैं यदि वो जब देखेंगे तो उनका उनकी परख उनके जो तरीके होते हैं वो डिफरेंट होते हैं टीवी देखने वालों का अलग सोच होती है आधे टीवी देखने वालों को तो वोट देना अभी आता भी नहीं है तो मैं यही अपील करता हूं कि पहले वोट देना सीख लो चाहे हमको दो चाहे इनको दो लेकिन वोट जरूर देना सीख लो <laughs> पहले तो मैं वो मतलब सिर्फ हम How वोट सिर्फ हम वोट की अपील नहीं कर रहे हैं लोगों को हम बता रहे हैं कि वोट देना सीख लो क्योंकि आ, मैं आपको बताता हूं कि हमारे भारत में भी वोट का प्रतिशत बहुत कम होता था अभी पिछले कुछ इलेक्शंस में मैंने वोट दो वोट दो वोट दो हर बुराई पर नुकीली चोट दो वोट दो वोट दो वोट दो एक एंथम एंथम बनाया और एंथम हमारे क्या हुआ? कुछ संस्थाओं के साथ हमने गवर्नमेंट की संस्थाओं के साथ ही इसको प्रमोट किया तो जहां जहां ये गाने प्रमोट हुए वहां पर वोट का बाहुल्य बढ़ा और उसका प्रतिशत में वृद्धि हुई तो जहां पचास प्रतिशत मैक्सिमम होती थी वोटिंग वहां फिर सत्तर अस्सी प्रतिशत होने लगी तो क्या होता है मनुष्य को पहले थोड़ा मोटिवेट करना होता है एनकरेज करना होता है उसके बाद वो लोग एक्साइटेड होके और डबल वोट करते हैं फिर इंडियन प्रो म्यूजिक लीग में जो लोग जो लोग इस शो से अभी जुड़ेंगे या जो जुड़ चुके हैं उन्हें कोई मैसेज देना पर्टिकुलरली आप हाँ जो लोग जुड़े हैं उनको तो ये मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा ये तो शब्द हैं इन शब्दों से आप बहकना मत अपने अंदर के आनंद को बरकरार रखिए और उसको इधर उधर हिलने मत दीजिए अपने मजे में रहिए मस्ती में रहिए क्योंकि जो मस्ती में रहते हैं वही तंदुरुस्ती में रहते हैं और जो तंदुरुस्ती में रहते हैं वही समझ लीजिए तरक्की भी करते हैं बाकी तो अगर हम ये बहक गए इस बात से कि कंपटीशन है प्रतियोगिता है तो उससे क्या होता है कभी कभी पता नहीं लगता कि बजट क्या था और हम कितने बजट से बाहर चले गए टेंशन लेने के चक्कर में तो मैं बोलता हूं जो हमारे पार्ट हैं हमारे आई के उनको तो मजे में रहना चाहिए कॉम्पिटिशन होता रहेगा ये तो नाम है बस असली में आप अपने में रहिए गाइए खुश रहिए खुश रखिए ये तो है हमारे जो टीम मेंबर्स हैं सब उनके लिए अब उनके अलावा जो हमारे दर्शक गण हैं उनके लिए ये मैसेज है कि जिंदगी में ऐसे मौके कम आते हैं जब आपको आ, कुछ सेलिब्रिटीज लोग कुछ परफॉर्मर्स लोग वोट मांगे आपसे तो ज्यादातर तो हमारे दर्शकगण प्रशंसकगण ही मांगते हैं कभी सेल्फी कभी ऑटोग्राफ तो अब पहली बार ऐसा मौका आएगा कि परफॉर्मर्स सेलिब्रिटीज और उनके चहेते वो मांगेंगे इनसे तो जब मांगेंगे तो क्यों ना पहले से प्रैक्टिस कर ले ऐ मेरे दर्शकगण वोट देने की प्रैक्टिस करो मोबाइल पे कैसे देनी है सीख लो अच्छा चाहे हमको दो चाहे उनको दो लेकिन सीख लो वोट जरूर <laughs> क्या बात है कैलाश जी बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए मुझे आपसे लाइफ में कुछ जो चीजें करने निकला हूं, अच्छे से करूँ और बहुत जल्द आपसे मिलूंगा इस बार बॉम्बे आऊंगा आपकी वैनिटी के बाहर आगे वेट करूंगा पक्का मिलूंगा जी मिलेंगे नमस्कार थैंक यू नमस्कार सर थैंक यू थैंक यू